हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मामा अर्थ के प्रोडक्ट हैं, कुछ बेबीज़ प्रोडक्ट हैं, कुछ मेरे प्रोडक्ट हैं, तो मतलब जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ। तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने खुद से ख़रीदे हुए हैं और ख़ुद ही यूज़ करे हुए हैं। कुछ कुछ तो बिल्कुल 2-3 महीने मैंने ऑर्डर कर लिए थे और अब ख़त्म भी होने वाले हैं ये प्रोडक्ट, तो उनका ही मैं आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है, जो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे नहीं लगे, कौन मेरी स्किन के लिए अच्छा रहा नहीं रहा, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि अगर आपको भी अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट लेने, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आपको जो जैसा प्रोडक्ट चाहिए अपने बच्चे के लिए, मतलब साबुन हो गया, शैम्पू, टूथपेस्ट, ऑयल, कुछ भी चीज़, पाउडर वगैरह, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, बच्चों की, बड़ों की, हर किसी की, तो आप ले सकते हैं। ट्रस्टेड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो लेकिन ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइस, ये मैंने खुद के लिए हुए हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कब से, मैं बहुत पहले से, मतलब 1 साल हो गया है मैं अपनी बच्ची पे ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं आपको इसका रिव्यूज़ दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी ये जो मैंने लिया था मामा अर्थ से साबुन लिए थी मैंने, इसके इस बॉक्स के अंदर आई थी 5 साबुन, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ऑरेंज और ब्लूबेरी, ये 5 फ्लेवर हैं इस साबुन में, ये देखो आप देख सकते हो। तो इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत सुंदर है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को ये भी मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि अलग अलग कलर की साबुने हैं इसमें, तो बच्चे अच्छे से मतलब नहाते वक्त बहुत खुश हो जाते हैं कि आज ये वाला साबुन है, फिर हम नेक्स्ट कौन सा यूज़ करेंगे मम्मा, तो मतलब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, फिर उनको कलर, जो कलर होता है, कलर से भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बच्चे की, ये वाला कलर, ये वाला कलर, तो वही है इसमें। तो मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें सारी सोप ख़त्म हो गई है, ये देखिए बस सिर्फ एक ही रह गई है, ये है ऑरेंज बार, नहीं ये मैंगो बार बची हुई है, बाकी सारे बार फिनिश हो चुके हैं, ये लास्ट बचा हुआ है। तो ये साबुन जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, इसको लगाने के बाद मतलब स्किन बच्चों की बहुत अच्छी रहती है, जैसे सर्दियों में ऐसे रूखी रूखी सी हो जाती है स्किन बच्चों की, तो मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, लेकिन इस साबुन को नहलाने के बाद बिल्कुल भी जो स्किन है वो मतलब ख़राब नहीं होती है, रूखी रूखी नहीं होती है, एकदम मॉइस्चराइज रहती है, तो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात जो है वो लगी। तो मैं ये अपनी बच्ची के लिए, फिर मैंने इसको कंटिन्यू यूज़ करा, फिर मैंने इस साबुन का, मुझे बहुत अच्छी लगी। सेकेंड प्रोडक्ट है मामा अर्थ का जेंटल क्लींजिंग शैम्पू फॉर बेबीज़, टीयर फ्री है, कोकोनट पेस्ट क्लींजर है, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीएच बैलेंस है, 0 से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, तो ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है और ये जो इससे बाल मतलब एकदम क्लीन हो जाते हैं बच्चों के और बहुत स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं इसको नहलाने के बाद, इसको लगाने के बाद, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया मामा अर्थ का प्रोडक्ट, ये शैम्पू, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा बच्चों के लिए। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पे क्लिक करके ले सकते हैं अमेज़न से। तो थर्ड है ये मामा अर्थ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज़, SPF 20++ है ये, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, 0 to 10 ईयर्स, मतलब 1 साल से बच्चे से लेके आप मतलब 10 ईयर्स के बच्चे तक इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप बच्चों को कहीं धूप में लेके जा रहे हैं या बच्चे कभी धूप में जाते हैं खेलने के लिए बाहर जाते हैं, तो आप इसको लगा के उनको बाहर भेज दीजिए, इससे सनबर्न नहीं होगा और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। ये इसका कैप ऐसे लगी हुई है और ये इसमें ये पंप दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, शायद हो सके बच्चों को पसंद ना आए, क्योंकि मेरी बच्ची को भी इसकी जो खुशबू है वो पसंद नहीं आई, जब भी मैंने उसको लगाया तो फिर उसको ये ज़्यादा अच्छा लगा नहीं।
इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी और अच्छी कर देते हैं अगर बच्चों के लायक, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये प्रोडक्ट। तो अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और तो फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो है ये टूथपेस्ट। तो ये जो टूथपेस्ट है फ्रूट पंच टूथपेस्ट है। तो ये फ्रूट जो है ये बहुत सारे फ्रूट को मिक्स करके बनाया हुआ है, तो इसलिए ये मेरी बेटी जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरी बेबी को, तो हर वक्त उसे ये चाहिए होता है, खाने के लिए चाहिए होता है, तो इसके बहाने वो ब्रश भी कर लेती है। फ्लूराइड फ्री है, 100% नेचुरल है, 12 प्लस मंथ्स है। हाँ, तो 12 प्लस मंथ्स को ही हम ब्रश करने के लिए देते हैं ना, जब बच्चा एक साल का हो जाता है। तो यही है। और अगर आप भी, अगर आपके बच्चे भी रोते हैं, छोटे बच्चे कई बार होते हैं ना, छोटे बच्चों को अच्छा नहीं लगता ब्रश करना, तो उनके लिए एक अच्छा सा टूथपेस्ट ला के रख दो, फिर वो रोज़ मांगेंगे आपसे टूथपेस्ट करने के लिए। तो मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ, पहले नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने इसको यूज़ किया है वो रोज़ बोलती है मम्मा टूथपेस्ट दे दो मुझे। तो आप भी अगर यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। और ये ख़त्म होने वाला है तो अब मैं मंगाऊंगी नया, क्योंकि अब अमेज़ॉन पे सेल भी आने वाली है। तो अगर आप भी सेल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इसको ज़रूर ऑर्डर करें। तो ये तो होगी बच्चों की चीज़ें, अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने प्रोडक्ट जो मैंने खुद के लिए मामा अर्थ से बाय किए हुए हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मेरा है ये सनस्क्रीन जो मैंने ऑर्डर किया था, अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद कैरेट सीड एंड टर्मरी। तो ये रहा, ये काफ़ी अच्छा है अगर आप कहीं बाहर धूप में जा रहे हैं तो आप इसको धूप में, क्या अगर आप गर्मियों के टाइम पे, तो अगर आप अंदर भी हो तो सुबह इसको लगा लीजिए मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। तो ये है पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है, फॉर इंडियन स्किन के लिए है ये, तो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, SPF 50 PA++++ है। तो इसमें है ये कैरेट सीड से बना हुआ है और हल्दी से बना हुआ है, टर्मरिक से, कैरेट सीड गाजर के जो बीज होते हैं वो, और टर्मरिक हल्दी, तो उससे बना हुआ है ये फॉर सन प्रोटेक्शन के लिए। तो बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल भी थोड़ी सी और अच्छी, अगर वो बना देते तो अच्छा रहता, क्योंकि स्मेल थोड़ी अजीब सी आती है, पर ओके है अगर मतलब स्किन के लिए अच्छा है तो फिर कोई बात नहीं। थोड़ा सा सेकेंड प्रोडक्ट है मेरा ये मामा अर्थ का है विटामिन सी हैंड क्रीम, ये मैंने विंटर सीजन में ली थी। इसमें है विटामिन सी एंड चिया बटर फॉर इंटेंस मॉइस्चराइजेशन। तो सर्दियों में, क्योंकि हैंड बहुत रूखे रूखे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये सर्दियों में मंगाया था। पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री मॉइस्चराइजेशन वही है, इसमें भी सब कुछ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इंग्रेडिएंट्स लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग एब्जॉर्ब क्विकली किल्स 99% जर्म्स, तो ये जर्म्स भी किल करता है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थर्ड है प्रोडक्ट ये जो ये फिनिश भी हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, ये है विटामिन सी फेस मिल्क विद विटामिन सी एंड पीच फॉर स्किन इल्यूमिनेशन। तो ये है, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत लाइट है, आपको लगाने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया है अपने फेस पे, लेकिन इसका जो मुझे इफ़ेक्ट है कुछ ज़्यादा मिला नहीं अपने फेस पे, बस लगाया और हो गया। मतलब जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम तक किसी चीज़ को लगाते हैं तो उसका कुछ इफ़ेक्ट आपको मिलता है स्किन पे, फेस पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने लगाया और हो गया बस। तो गाइज अब है लास्ट प्रोडक्ट ये हेयर ऑयल, अनियन हेयर ऑयल। तो ये जो हेयर ऑयल है ये सूट्स ऑल हेयर टाइप्स है, सबको शूट करेगा, सिलिकॉन फ्री है, मिनरल ऑयल एंड सिलिकॉन फ्री है। तो ये है फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया है, थोड़ा सा रह गया है, तो मैंने इसको, मैंने बहुत पहले ले लिया था, मैंने काफ़ी 2-3 महीने इसको यूज़ किया, लेकिन इसके बाद भी मेरे हेयर मतलब कोई कंट्रोल नहीं हुआ, फिर भी वैसे ही रहे।
तो मुझे इतना ये प्रोडक्ट जो है इतना असरदार नहीं लगा अपने लिए, लेकिन हो सकता है किसी पे सूट करे किसी पे ना करे, तो मुझ पे ये इतना सूट नहीं किया। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब हर किसी की अपनी अपनी स्किन होती है, किसी पे कोई चीज़ सूट करती है किसी पे नहीं करती है, तो बस वही वाली बात है। अगर आप गाइस, ये थे मेरे मामा अर्थ के प्रोडक्ट, तो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरे खुद के लिए हुए प्रोडक्ट हैं और इनको लिए हुए मुझे 4-5 महीने, किसी किसी को तो साल भर हो गया है। तो ये मैं खुद से आपके साथ अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपके साथ अपना शेयर किया है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो आप नीचे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और अमेज़न पे वैसे भी सेल आने वाली है, तो प्लीज़ आप ग्रैब कर लीजिए सारी चीज़ें। तो बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी ये जो इन्फॉर्मेशन है हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।